लिम्फोमा हेला बेसिकली लिम्फाटिक सिस्टम रो कैंसर जोटा कि आमर बेसिकली इनक्लूड करे लिम्फ नोड्स थाइमस ग्लैंड्स बोन मैरो सेल्स और स्प्लीन तो एटा बेसिकली आमर टू टाइप्स थाए मेजरली हॉजकिन्स लिम्फोमा आउ नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा तो नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा टिके अधिका कॉमन आउ एडल्ट्स मानकर भितर देखा जाए आउ हॉजकिन्स लिम्फोमा टिके छोटो मान छोटो छुआंकर जो 15 वर्ष तळकु जार एज तांको देरे कॉमन बेस आर मोस्ट कॉमन आमर लक्षण जो रहला गेटा फील हबो ग्रंथि गुडा आम शरीर रे बढ़ी थाए तो गळारे हो काख छंदी रे हो कि आमर जंघ छंदी रे हो एठी लिम्फ नोड्स गुड़ाक बेसिकली बढ़ी जाए थाए ग्रंथि जहाँ को कहते हैं गेटा भाया फिल हुए ता बाद फीवर रहे मैंने इवनिंग राइज ऑफ फीवर जोटा कहती मैंने इवनिंग टाइम रे 100 डिग्री फारेनहाइट को ऊपर को बढ़ी जाए टेम्परेचर ता बाद ड्रेंचिंग नाइट्स जोटा कहते राति बहुत अधिक मात्रा रे झाड़ बोहिबा वेट लॉस होबा जोटा कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस विदाउट एनी डाइट की एक्सरसाइज जन यदि वेट लॉस करुची मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट इन ओवर 6 months ताहले हमें सस्पेक्ट कर परबा कि लिम्फोमा ता व्यतीत जदि इचिंग होची शरीर रे कि फैटिग रहुची जनरली एटा मेल्स मानन को देर बेसी कॉमन ता बाद जोटा हमर हॉजकिन्स लिम्फोमा देखा जाए 15 वर्ष तळकु एज रे टिके कॉमन ता आउ 60 इयर्स ऊपर को मध्य कॉमन जोटा बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहू और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा जोटा विथ इंक्रीजिंग एज मोर कॉमन जनरली 60 इयर्स रु ऊर्ध लोक मानक देखा जाए था ता बाद जो मैंने इम्यूनो सप्रेस स्टेट रे था कि जो मैंने इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स नौ था जार इम्यूनिटी पावर लो हो था कि जो मैंने मैंने छोट बेले रेडिएशन थेरापी नहीं था अन्य कहूँ कैंसर पर कमन देखा जाए था ता व्यतीत जो मानक इनफेक्शन्स रोचे बारंबार मैंने एच पाइलोरी हो यूवी इनफेक्शन तेरेटा कमन थाए तो व्यतीत एच आई वी पीड़ित लोक मानकर जेहेतु इम्यूनो सप्रेस स्टेट थाए तेहरे कमन होता है व्यतीत ऑटो इम्यून डिजीज जो मानकर अच्छी सर्कोइडोसिस हो जॉग्रेन्स हो रिमाइटोइड आर्थराइटिस लिम्फोमा होबार चांसेस टी अधिक मात्रा देखा जाए कि एक्जाक्ट कॉज यार आज पर्यंत जना जाए ना डायग्नोसिस मेन आम ब्लड टेस्ट रहे जोटा कि पैनल ब्लड टेस्ट आम रूटीन ब्लड टेस्ट करूँ सीबीसीएल एफटी आरएफटी ता व्यतीत वायरल मार्कर्स एलडीएच ता व्यतीत जदि दरकार पड़े बोन मेरो एस्पिरेशन बायोप्सी टेस्ट हुए आ गोटे होल बॉडी जदि पॉजिटिव आसमर बायोप्सी गोटे मांस परीक्षा हुए जोटा एक्सीजनल बायोप्सी अप्रूव करूँ ग्रंथि गुड़ा बढ़ी थाए तार गोटे मांस नहींकि परीक्षा को जाए आउ ताकि पॉजिटिव ताले आमे होल बॉडी स्कैन करू गोटे हाँ तो जानिया पे कुआडे कुआडे स्प्रेड होती आ दरकार पड़े बोन मेरो एस्पिरेशन बायोप्सी मध्य हुए तो यहाँ मेन आर डायग्नोसिस रे यूजफुल ट्रीटमेंट मेनली आमर लिम्फोमार ट्रीटमेंट कीमोथेरापी रही थाए तो कीमोथेरापी जोटा कि नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा रे जो आर्चप मोस्ट कॉमनली टिके यूज हुए अदरवाइज तो नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा बहुत अधिक वैरायटी अच्छी पाखापाखी 60-70 वैरायटी अच्छी तो किसी नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा अलग अलग वैरायटी रे कीमोथेरापी थाए और किसी केसेस रे इनिशियल स्टेजेस रे माने रेडिएशन थेरापी मध्य दिया जाए थाए जोटी बल्कि लिम्फ नोड्स की बहुत अधिक मात्रा रे बड़ अच्छी ट्यूमरटा आउ कीमोथेरापी को रेस्पॉन्ड करनी से जगह रेडिएशन दरकार पड़ी पारे कि पैलिएटिव रेडिएशन कि कोठी बोन को पड़ेगी लिम्फोमा आउ फ्रैक्चर हमारे चांसेस अच्छे कि बोनी पेन्स रोचे ताहले से जगह को लाइट दिया जाए था आउ बोन मेरो ट्रांसप्लांट किसी केसेस दरकार पड़ी पारे से बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुए आउ सर्जरी जनरली इंडिकेटेड नुह लिम्फोमा रे किंतु जदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहुची को ऑर्गन को एटा माने कंप्रेस करुची ताहले सर्जरी आमे करि परिबा निश्चय जदि जो मैंने ट्रीटमेंट हो जाते से कन्स्टेंट फॉलोअप रहा दरकार डॉक्टर संगे नियमित निजक जा डॉक्टर को देखा दरकार परामर्श ना दरकार आदि घरे किसी सिम्टम्स आसमती कि फीवर हो कि ज्वर कि वेट लॉस हो ओजन कमुची बिना कारण कि कौटी ग्रंथि ग्रोथ हो शरीर में गलारे हो काख तले काख साइड रे हो कि जंघ साइड रे हो कि एमती सब कि सिम्टम्स कि बहुत झाड़ बोच कि वेट माने बहुत थका लगुची ताहले निश्चय जाए डॉक्टर को परामर्श ना दरकार आउ जो टेस्ट सब एडवाइस करेंगे से गुड़ा सब करी जो ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके ना दरकार।